सब्सक्राइब करें एसजी सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में व्हाइट टोन का सॉफ्ट एंड स्मूथ हाइड्रेटिंग सन प्रोटेक्शन फेस क्रीम। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ इसमें हाइड्रेटिंग सन प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप इस क्रीम को धूप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई सारी क्रीमें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम धूप में नहीं कर सकते हैं, केवल उनका इस्तेमाल हम सुबह या फिर शाम के टाइम में या नाइट के टाइम में कर सकते हैं, लेकिन इस क्रीम का आप धूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगा करके कहीं पर भी आसानी से जा सकते हैं, आपको कोई फाउंडेशन नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, आज मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी प्राइस क्या है, किस एज ग्रुप के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये गोरा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक्ने पिंपल्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में भी आज मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उन सभी चीजों को बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी जो पैकेजिंग गई है फ्रेंड्स, इस व्हाइट और पिंक कलर के कार्टन बॉक्स में की गई है, जो कि काफी ज्यादा सेफ और प्रोटेक्टिव और गुड लुकिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेना चाहता हूं। इसमें अप्लाई व्हाइट टोन फेस क्रीम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको रिक्वायर हो, जितनी मात्रा में आपको क्रीम की रिक्वायरमेंट हो उतनी ही मात्रा में आपको फेस के ऊपर डॉट डॉट करके लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप गले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप इसके साइड इफेक्ट से बच सकें, वरना आपको बड़े दुष्परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, नॉर्मल प्राइस है इसकी। इसकी प्राइस है 75 रुपीज़, मतलब 75 रुपये का ये पैक है। ये 25 ग्राम की क्वांटिटी में आता है, तो ये 25 ग्राम का पैक आप 75 रुपये में किसी भी ब्यूटी शॉप या कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं, और ये इसकी वैलिडिटी होती है 24 मंथ की, मतलब 2 सालों तक आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी कुछ अन्य जानकारी देता हूँ। फ्रेंड्स, कई सारी क्रीमें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम नाइट में ही कर सकते हैं, धूप में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस क्रीम का फ़ायदा है कि आप इसे धूप में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो ट्यूब है प्लास्टिक और फाइबर की बनी हुई है, जैसे कि नॉर्मली क्रीम्स की ट्यूब होती हैं, और इसकी जो ढक्कन है ये बेसिकली डार्क पिंक कलर की है। तो मैं इसे ओपन करके देखता हूँ इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, और जैसे नॉर्मल क्रीम्स होती हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये फाउंडेशन के लुक में है, मतलब जैसे फाउंडेशन होता है फेस पे लगाने वाला, कुछ उसी फॉर्म में ये लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट करके आपको लगाना होगा फ्रेंड्स, और ये बेसिकली चेहरे को गोरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको जानना होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप सही जानकारी जान पाएँ क्या ये आपके लिए सेफ़ है या फिर नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा। ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फेयरनेस देता है, आप देख सकते हैं कि तुरंत ये हमारे हाथ के जो कलर हैं उसको चेंज कर दिया इस क्रीम ने, तो आपके फेस के कलर को भी ये चेंज करने में माहिर होगा। लेकिन ये फ्रेंड गोरा तो बनाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जब आप इस क्रीम को लगाना छोड़ देते हैं तो ये आपके चेहरे को थोड़ा सा सांवला कर देता है, और कुछ लोगों के चेहरे पर साइड इफेक्ट भी दे देता है, लेकिन उससे बचने का मैं आपको सही तरीका बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ अन्य जानकारी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे मार्केटेड बाई विनी कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, मतलब विनी कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे मार्केटेड किया जाता है, मतलब इसे बनाया भी जाता है और इसे सेल भी किया जाता है। और वाइट टोन फ्रेंड्स जो कंपनी है ये इंडिया की ही कंपनी है और इंडिया में ही प्रोडक्शन कर रही है, और इसका जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल यूज़ के तौर पे किया जाता है, मतलब आँखों वगैरह पे या नाक वगैरह में ना जाने पाए। और इसके जो केमिकल होते हैं गामा पॉलीग्लूटामाइन एसिड, सिट्रिल ओलिवेट, सोर्बिटामिन ओलिवेट इत्यादि यूज़ किया जाता है, और ग्लिसरीन इत्यादि भी यूज़ किया जाता है, और एक्वा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो कुछ केमिकल्स हैं थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं, जो केमिकल्स हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके चेहरे को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने इस क्रीम का रिव्यू दिया था, तो काफ़ी सारे लोग इसे पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर ये हमारे चेहरे को ख़राब कर रहा है, जैसे ही मैंने इस क्रीम को लगाना छोड़ दिया है तो ये हमारे चेहरे को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा है और सांवला बना दे रहा है, और दाग धब्बों की समस्या भी बढ़ रही है। तो कुछ मामलों में ये साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आप जब इसे लगाना छोड़ दें तो आप नेचुरल रेमेडीज़ वगैरह इस्तेमाल करना चालू कर दें, मतलब बेसन वगैरह या फिर टमाटोज वगैरह या फिर नींबू से रिलेटेड कह सकते हैं कि रेमेडीज़ आप अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके चेहरे पर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इसे जब लगाना छोड़िए तो धीरे धीरे लगाना छोड़िए, जैसे कि आप इसे 2 दिन ना लगाइए, फिर 1 दिन लगा लीजिए, फिर आप 3 दिन मत लगाइए, फिर 1 दिन लगाइए, फिर आप एक हफ्ते का गैप करिए, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस का गैप करते करते आप इसे बिल्कुल
बिल्कुल ही लगाना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप अगर इसे एकदम से लगाना छोड़ेंगे तो ये आपके चेहरे पर साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो यही है फ्रेंड्स, आप इसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। अगर आप इसे लगाने से पहले फेस वाश से अपने चेहरे को वाश करेंगे तो ये आपके चेहरे को प्रिवेंट करेगा। आप इसे धूप में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन मैं इसे कहूँगा फ्रेंड छोटे उम्र के लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मतलब कम एज ग्रुप के लोग इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर वो लोग इस क्रीम की आदत डाल लेंगे तो उनकी स्किन ख़राब हो सकती है। और इसे अडल्ट टीनेजर लगाते हैं गोरे होने के लिए, तो ये गोरा तो कर देता है, लेकिन मैंने बताया कि लास्ट में जब आप इसे लगाना छोड़ेंगे तो आपके चेहरे को संवला भी कर सकता है। हालाँकि इसे लगा तो हर एज ग्रुप के लोग सकते हैं छोटे बच्चों को छोड़ करके, लेकिन आपको साइड इफेक्ट से प्रिवेंट होना होगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हर स्किन टाइप को ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता है, खास करके ऑयली स्किन वालों को ये ज़्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बिल्कुल भी इस क्रीम को मत लगाइए। तो आई होप फ्रेंड्स आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।